ये भाई आ रखे हैं अलीगढ़ से गुड़गांव। भाई कितना टाइम लगा आपको, पहले तो मुझे बताओ, मैं सारी चीज जानना चाहता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। वेल, एल्विश यादव अपने इस क्रेजी फैन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए। जी हाँ, उनका एक फैन है जो 180 किलोमीटर साइकिल चला के उनसे मिलने आया, और ये चीज देखकर एल्विश यादव काफी ज्यादा शॉक हो गए, और वो अपने ब्लॉग में क्या कहते हैं आप देखें। ये भाई आ रखे हैं अलीगढ़ से गुड़गांव। भाई कितना टाइम लगा आपको, पहले तो मुझे बताओ, मैं सारी चीज जानना चाहता हूँ। भाई 2 दिन लगे थे। 2 दिन साइकिल पे लगे आपको, कितने किलोमीटर है? 180 किलोमीटर। एक कहाँ, अलीगढ़ तो यूपी में आता है ना? हाँ भाई, तुम 180 किलोमीटर साइकिल पे आ गए? काम पे भी ध्यान दो, ये प्यार बहुत अच्छा है, प्यार करते हो आप भाई से? काम पे क्या काम करते हो आप भाई? अभी तो मैं बस जो है ना, अभी YouTube पे ही आया था जो है ना, आपसे सीखते। व्लॉग बनाते हो तुम? हाँ भाई। तो तुमने डाले इसके व्लॉग? हाँ भाई डाले हैं मैंने, और जो है ना उस पे Instagram पे भी रील्स भी डाली हैं। अच्छा, चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल, पूरब जा रैपर से रिलेटेड एक पैरोडी वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ, हमने इनको किंग के लुक में देखा, रफ्तार के लुक में देखा, नेजी के लुक में देखा, और अब उनका MC स्टैंड वाला लुक भी देखने को मिला, जिससे रिलेटेड उन्होंने स्टोरीज और रील्स वगैरह भी अपलोड की। वेल, मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, अब देखें। ऐसा क्या भाई, मैं सामने वाले को कॉल कर रहा, उठाता नहीं है। मैंने बोला की चलो मैं तुमको एक मंबल रैप सिखा था, बढ़िया था। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल, सुबह से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां पर एक लड़का है वो 3 दिन से खाना खाना बंद कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे आईफोन 14 चाहिए होता है, और उनकी मम्मी जो है वो मंदिर के सामने फूल बेच बेच कर पैसे कमाती है। बट वो लड़का खाना पीना बंद कर देता है 3 दिन तक, और वो बहुत ज्यादा जिद पर अड़ जाता है, और उसकी जिद के सामने हार के उसकी मम्मी जो है वो उसे आईफोन दिला देती है। वेल, मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, अब देखें। इसको पैसा आप दिए हैं? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? इतना पैसा हमके लिया के दिए, इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लो भाई, भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई फोन खरीद रहा। आईफोन ये है भाई, आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। सो गाइस, देख सकते हैं आईफोन लवर का पावर, भैया ने मंदिर में से मेहनत करके फूल बेचकर पैसा लाया है आईफोन खरीद। वेल गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई में ये आईफोन लवर की पावर है या पागलपंती? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो ध्रुव राठी के बारे में है। वेल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कलकत्ता से बहुत ही भयानक न्यूज आई, जिससे रिलेटेड ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा हेट दिया जा रहा था। बट अभी अपडेट ये है कि ध्रुव राठी ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है, और जैसा कि आप लोग जानते हो, उस वीडियो में ध्रुव राठी ने कबीर सिंह और एनिमल का नाम लिया था, और उनसे रिलेटेड बात करते हुए नजर आए थे। तो अभी बहुत सारे लोग एक फोटो को बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, जहां पर ध्रुव राठी गैंग्स ऑफ वासीपुर को एक अच्छी मूवी बताते हुए नजर आए। आप यहां स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल, फुकरा इंसान का एक नया वीडियो आया, जो कि बहुत ही अलग वीडियो देखने को मिला। जी हां, इस वीडियो में काफी सारे लोगों के इमोशन के साथ खेला गया, और एक सीख भी दिया गया कि भाई ऐसे ही हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेल, काफी अच्छी वीडियो है, जिसे आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।